हेलो फूडीज, स्वाद खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पल्लवी। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम, वो भी विदाउट प्रिजर्वेटिव और आइसक्रीम पार्लर से कहीं गुना बेहतर। एकदम रसीले मीठे आम से हम ये बनाएंगे और ये एकदम सॉफ्ट और स्मूथ आइसक्रीम बनेगी। तो चलिए इसकी सामग्री देख लेते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने फ्रेश क्रीम ली है 250 ml, उसकी जगह आप व्हिप क्रीम भी ले सकते हैं। 1 कप हमने मैंगो पल्प लिया है, 1/2 कप हमने कंडेंस मिल्क लिया है, 1 teaspoon हमने नींबू का रस लिया है। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में फ्रेश क्रीम डालेंगे 250 ml, ये ठंडी होनी चाहिए क्रीम। अमूल क्रीम का मैंने इसमें यूज किया है। अभी इलेक्ट्रिक बीटर से हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। सॉफ्ट पिक आने तक हम इसे बीट कर लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड बीटर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी क्रीम की अभी चेंज हो रही है, ये थोड़ी थिक हो रही है। इसे आपको करीब 10 मिनट के लिए हाई स्पीड पे बीट करते जाना है। अब ये जो क्रीम है रेडी हो ही गई है, सॉफ्ट पीक आ ही गया है। इसका सॉफ्ट पीक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होगा। तो अभी हम बीटर है साइड में रख देते हैं। अभी हम इसमें 1/2 कप कंडेंस मिल्क डालेंगे और इसे बीटर की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे एकदम लो स्पीड पे करीब 1 मिनट के लिए। ये अभी अच्छे से मिक्स हो रहा है, अच्छे से मिक्स हो ही रहा है। अभी हम इसमें मैंगो का पल्प डालेंगे, ये अल्फांसो मैंगो का पल्प है जिसे मैंने मिक्सर में महीन पेस्ट कर लिया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छे से मिक्स हो गया है अभी ये। अभी हम इसमें करीब 1 teaspoon इसमें नींबू का रस डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नींबू के रस के वजह से ये जो मैंगो आइसक्रीम है काफी स्वादिष्ट बनती है और एक हल्का सा खट्टापन भी होता है। मैंगो बाइट के सरप्राइज के लिए हमने एक मैंगो स्लाइस लिया है, उसमें हम मैंगो के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और इस पीसेस को हम आइसक्रीम के मिक्सर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यानी आइसक्रीम जब हम खाएंगे तो मैंगो बाइट का हमें सरप्राइज मिलेगा। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा जो मैंगो आइसक्रीम का मिक्सचर है तैयार है। अभी हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर में डाल देते हैं और इसका जो ढक्कन है अच्छे से लगा लेंगे। इस कंटेनर को हमें फ्रीजर में रखना है करीब 8 घंटे के लिए या फिर रात भर आप रखिए। देखिए हमने इसे रात भर रखा था, अच्छे से ये आइसक्रीम जम गई है, एकदम सॉफ्ट और स्मूथ बनी है ये मैंगो आइसक्रीम। इसे अभी निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इस मैंगो आइसक्रीम को कितना अच्छा कलर आया है, एकदम रियल मैंगो की तरह ही इसका कलर आया है। देखिए एकदम सॉफ्ट स्मूथ और शाइनी मैंगो आइसक्रीम तैयार है। अभी हम इसे सर्व करेंगे एक आइसक्रीम बाउल में। हमारी यम्मी मैंगो आइसक्रीम तैयार है खाने के लिए। हमने इसे गार्निश किया है मैंगो के पीसेस के साथ। आप इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ भी गार्निश कर सकते हैं या फिर मैंगो गनाश के साथ। देखिए कितनी स्मूथ सॉफ्ट और विदाउट आइस क्रिस्टल के ये मैंगो आइसक्रीम बनी है, आप देख सकते हैं। कलर भी काफी अच्छा आया है, एकदम मैंगो कलर आया है इस आइसक्रीम को एकदम नेचुरल तरीके से। देखिए हमने इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ भी सर्व किया है, पिस्ताशो और आलमंड के साथ। 2 इम्पोर्टेंट टिप ये है ये आइसक्रीम बनाने के लिए कि आप नींबू का रस इसमें जरूर डालिएगा ताकि इसका जो स्वाद है दोगुना हो जाता है। और दूसरा ये, जब फ्रीज होने के बाद आप आइसक्रीम खाने के लिए निकाल लेते हैं और कंटेनर की जो बची हुई आइसक्रीम है उसे आप एक जीप लॉक बैग में स्टोर कीजिए और उसे फ्रीजर में रख दीजिए ताकि उस आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स ना हो। इस मैंगो आइसक्रीम को जरूर बना के देखिए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ स्वाद खजाना के किचन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।